अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम डिज़ाइन की। आज मैं आपको होम डिज़ाइन की प्लानिंग करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप अपने घर का नक्शा बनाने का सोच रहे हैं तो आप घर बैठकर भी अपने घर का नक्शा डिज़ाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा कि आप घर बैठकर घर का नक्शा किस तरह से बना सकती हैं। तो मैं आज आपके लिए एक छोटा सा नक्शा लेकर आया हूँ, 22x44 फीट का। तो इस नक्शे की मैं आपको प्लानिंग करना भी सिखाऊंगा, आप किस तरह से अपने घर के नक्शे की प्लानिंग करके अच्छा सा घर डिजाइन कर सकती हैं। अगर आप घर का नक्शा बनवाना चाहती हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आप हमें मैसेज करके फ्री में नक्शा बनवा सकते हैं। 5 मरले का मेरे पास होम का डिजाइन है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी मैंने किसी अपने क्लाइंट को ये होम का डिज़ाइन करके दिया है। तो आज मैं आपको सारा कुछ शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। अच्छे घर का नक्शा वो होता है जो हवादार हो, वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा हो। अभी मैं आपके साथ जो नक्शा शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें हवादार कमरे हैं और वेंटिलेशन का बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है। अभी हम आगे जाकर इस नक्शे पर डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में देगा बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली न्यू टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताऊंगा कि आप अपने घर का नक्शा किस तरह से डिजाइन कर सकती हैं। अभी मैं आपको सारा कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो मैंने एक नक्शा डिजाइन किया है, मैंने अपने क्लाइंट को ये नक्शा डिजाइन करके दिया है। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे नक्शे पड़े हैं, मैंने ये बहुत सारे नक्शे लोगों को डिजाइन करके दिए हुए हैं। जो मैं आज आपके लिए नक्शा लेकर आया हूँ वो ये है 22x44 का। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे 22 फीट इसका फ्रंट है और 44 फीट इसकी लेंथ है। ठीक है, भी ये तकरीबन 5 मरले का ये घर बन रहा है। तो अभी मैंने इसको JPG में पिक्चर में एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे ये नक्शा आया है। ठीक है भी, तो आज हम इस नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये नक्शा किस तरह से डिज़ाइन होता है और मैंने किस तरह से ये प्लानिंग करके ये नक्शा डिज़ाइन किया है। फ्रेंड, अगर आप नक्शा बनवाने का सोच रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें। आप अपने प्लाट की विड्थ और लेंथ बता दें, मैं आपको फ्री में ये नक्शा डिज़ाइन करके दूंगा। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ठीक है भी, यहाँ पे ये मेन गेट है। अगर हम मेन गेट के साइज़ की बात करें तो यहाँ पे मेन गेट का जो साइज़ मैंने रखा है 9 फीट का है। ठीक है भी, ये देख सकते हैं 9 फीट का ये मेन गेट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है मेन गेट। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये गैलरी है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे ये मैंने गैलरी रखी है। मैंने अपने क्लाइंट से पूछा है कि भी यहाँ पे फ्रंट पे आपने गैलरी रखनी है या इस ड्राइंग रूम को इस दीवार के साथ अटैच कर दूँ। उसने कहा है कि भी तो यहाँ पे मैंने 2.5 फुट की यहाँ पे ये गैलरी छोड़ी है। मैं आपको गैलरी का साइज़ भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 2 फीट 6 इंच गैलरी का साइज़ है। ठीक है भी, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये है पोच, पोच का जो साइज़ है ना 9 फीट 6 इंच यूँ है इसका साइज़, और 15 फीट 6 इंच लेंथ है इस पोच की। ठीक है भी, तो इसके बाद यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं, ये अप वे है, यहाँ से आपने सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है। ठीक है भी, तो इसके बाद यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है और ये जो आइकन है ये डोर का आइकन होता है, ये विंडो का आइकन है। ठीक है भी, ये विंडोज़ है हमारे पास। यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का जो मैंने साइज रखा है वो है 11x12 फीट का। ठीक है भी, ये स्टैंडर्ड साइज है, ये ज़बरदस्त साइज है और ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथ है। यहाँ पे ये बाथ का साइज भी मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे ये बाथ का साइज है 4x5 फीट। ठीक है भी, बाथ की वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये ओपन एरिया छोड़ा है। इस ओपन एरिया का बहुत फायदा है, एक तो इस बाथ को भी वेंटिलेशन हो रही है, दूसरा ये जो मैं टीवी लॉन्च रखा है टीवी लॉन्च को भी वेंटिलेशन हो रही है, और इस वाले बेडरूम को भी यहाँ पे वेंटिलेशन हो रही है। ठीक है भी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे ये डबल पले वाला डोर आ जाता है। ठीक है भी, ये डबल पले वाला डोर है, ये जो डोर है ये हमारे पास सिंगल पले वाला डोर है। ये हमारे पास टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च का जो साइज है 11x10 फीट का साइज है, क्योंकि ये प्लाट की जो विड्थ थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए यहाँ पे ये साइज टीवी लॉन्च का साइज बहुत कम हुआ है। मैंने क्लाइंट से भी कहा है कि यहाँ पे हम बात ना रखें और ओपन एरिया भी यहाँ पे खत्म कर दें, इस बात को हम यहाँ पे सेट कर देती हैं, इस वाले बेडरूम की हम वेंटिलेशन यहाँ से ये वाले रख देते हैं। तो उसने कहा कि भाई नहीं, यहाँ पे ये मुझे ये वाली वेंटिलेशन लाजमी चाहिए, यहाँ पे ये गैलरी लाजमी होनी चाहिए।
तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वाला होम डिज़ाइन किया गया है। मैंने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं डिज़ाइन किया, जिस तरह मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि मुझे इस तरह का नक्शा चाहिए, तो मैंने अपने क्लाइंट के मुताबिक ये डिज़ाइन करके दिया हुआ है। ठीक है भी, वैसे तो एक नक्शे से हज़ारों नक्शे तैयार हो सकते हैं। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे ये लॉन्च है, लॉन्च का साइज़ ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 11 फीट है, और यूं जो इसका साइज़ है ये 10 फीट है। ठीक है भी, टीवी लॉन्च के साथ यहाँ पे ये किचन है, किचन का जो साइज़ है 5 फीट यूं है और 8 फीट इसकी लेंथ है। ये डोर है किचन का, और किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे मैंने विंडो रखी है। ठीक है भी, यहाँ पे अप वे है ना, ये वाली जगह नीचे होगी तो यहाँ पे ये विंडो होगी। ठीक है भी, इसके बाद यहाँ पे ये ओपन एरिया है। ओपन एरिया इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इससे बाथ को वेंटिलेशन हो रही है, टीवी लॉन्च को भी हो रही है और बेडरूम को भी हो रही है। यहाँ पे ये दो बेडरूम है, दोनों बेडरूम का साइज सेम है, 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट बेडरूम का साइज है। इस वाले बेडरूम का भी यही सेम साइज है, यहाँ पे ये साइज लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये वार्डरोब है, ये दो बेडरूम्स हैं और ये दोनों बेडरूम के साथ अटैच बाथ हैं। बाथ का साइज भी दोनों का सेम है और बेडरूम का साइज भी सेम है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 6 फीट बाय 4.5 फीट, 6 फीट बाय 4.5 फीट के दोनों ये बाथरूम है। बेडरूम का साइज़ भी सेम है और बाथरूम का साइज़ भी सेम है, और यहाँ पे ये ओपन एरिया है। ठीक है भी, यहाँ पे आप कपड़े धो सकते हैं और यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, यहाँ पे पानी वाली मोटर भी लगा सकते हैं। हर घर में वेंटिलेशन के लिए ये वाली जगह लाजमी यहाँ पे होती है। ठीक है भी, इसका फ़ायदा ये होता है कि बेडरूम जो होती हैं, जो रूम्स होती हैं, उनकी वेंटिलेशन होती है, जो बैक साइड पर बाथरूम होते हैं बाथरूम की भी अच्छी वेंटिलेशन होती है इस चीज़ के ज़रिए। ठीक है भी, बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रख दी हैं, और यहाँ पे ये ओपन टू स्काई एरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो विंडो आ गई है, इंटर होने की जगह कहाँ से है, इस जगह पे जाने के लिए कहाँ से जाना है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास यहाँ पे ये विंडो है, विंडो आपने यहाँ पे ओपन रखनी है। जिस तरह हमारे पास डोर होता है तो उस तरह आपने विंडो का डिज़ाइन करवा लेना है। विंडो ओपन हो जाएगी, अगर क्लोज कर दो तो विंडो की विंडो लगेगी, अगर उसको ओपन करो तो डोर बन जाएगा। ठीक है भी, यहाँ पे रखें या आप यहाँ पे रखें, जहाँ पे रखें आपकी मर्जी है। एक साइड पर रख सकते, एक साइड पर भी रख सकते हैं, दोनों साइड पर भी यही ओपन विंडोज रख सकते हैं। ठीक है भाई, ये मेरे पास घर का नक्शा है। अगर ये नक्शा आपको चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके ये नक्शा मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको ये वाली पिक्चर सेंड कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए या कैड फाइल में चाहिए तो आपको कैड फाइल में भी ये वाला नक्शा मिल सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने एक्सपोर्ट किया है JPG में, पिक्चर में, PDF में भी ये वाला नक्शा एक्सपोर्ट हो जाता है। और अगर आप पिक्चर निकालना चाहें तो पिक्चर में भी आप इसको इंपोर्ट कर सकती हैं। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये आपके सामने है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमारे इस घर पे टोटल कितनी ईंटें लगेगी। ईंटें मतलब ब्रिक्स कैलकुलेट करने का मैं आपको तरीका बताऊँगा। आप अपने इस टोटल घर की ईंटें किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं, आप अपने घर की ईंटें की कैलकुलेशन करके आप अपने घर के ईंटें मालूम कर सकते हैं कि मेरे घर पे कितनी टोटल ईंटें आएंगी, कितनी सीमेंट आएगी, कितनी बजरी आएगी। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर की ब्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने घर के सीमेंट और बजरी का खर्चा और कितनी बजरी की बोरी आएगी, सारी कैलकुलेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको विंडो का साइज़ दिखा देता हूँ, विंडो का साइज़ क्या मैंने रखा है यहाँ पे। ये विंडो का साइज़ है 6 फीट। ठीक है भी, 6 बाय 5 फीट की 5 फीट इसकी हाइट रखनी है आपने।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई और नक्शे के साथ हाज़िर होता हूँ। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया फ्रेंड्स।